दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी महिला शक्ति की जिसका नाम है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने आज लगातार दूसरे दिन छक्का ठोक दिया मोदी जी की सरकार पर। जी हाँ, छक्का क्या ठोका, मोदी सरकार को निरुत्तर कर दिया मोइना महुआ मोइत्रा। मुझे टाइम थोड़ा सा लगेगा इनका नाम सही तरह से लेने, महुआ मोइत्रा। ये आई राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और इन्होंने इनके सारे बोल्ट ढीले कर दिए, मोदी जी के जितने भी पार्टी के लीडर थे सबके। आज जब संसद में उनका फिर एक बार भाषण हुआ, जिस भाषण में उन्होंने बहुत बुरी तरह से पोल खोल ली, जो भाषण कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए था शायद महुआ मोइत्रा ने दे दिया। और उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला पांच मीडिया हाउसेस और लिंचिंग की वारदातें होती रही और चुपचाप ये सारे काम चलते रहे और देश को नेशनल न्यूज़ का पाठ पढ़ा करके देश को गलत दिशा में मोड़ा जाता रहा। महुआ मोइत्रा जो थी वाकई में लाजवाब थी, एक ऐसी युवा नेता के रूप में नजर आ रही थी, मुझे कांग्रेस के बुढ़े नेताओं पर शर्म आ रही थी। भैया बुरा मत मानना कांग्रेस के लोगों, क्योंकि जो बात है वो बात है, बोलना तो पड़ेगा। तो कांग्रेस में क्यों युवाओं को जगह नहीं दी जाती आगे लाने के लिए? तो कांग्रेस एक मेन विपक्षी दल है, मेन राष्ट्रीय चेहरा है, मेन राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्यों वहां अभी तक राहुल गांधी के इस्तीफे पर किसी बुजुर्ग का कोई बयान नहीं आया है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है सिवाय एक नेता के? जी हाँ, सिवाय एक नेता, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, शायद आप उसका नाम जानते होंगे। तो महुआ मोइत्रा ने किया क्या? उन्होंने बोला कि साहब पांच मीडिया हाउसेस के कब्जे में पूरा प्रचार था और करोड़ों रुपए आपने उनको दिए और उनसे करोड़ों रुपए लिए, इसके बदले में डील क्या हुई? और अब जो डील होने जा रही है, बेचने जा रहे हो, किन लोगों को बेचने जा रहे हो? सारे PSUs, रेलवेज वगैरह, तो कुछ आपकी सटापटी है उस पर आप क्लियर क्यों नहीं करते? मैं महुआ मित्रा का यहाँ पर एक वो शॉट डालना चाहूँगा जो उन्होंने लोकसभा में बोला। Citizens are being thrown out of their homes and being called illegal immigrants. People who have lived in this country for 50 years are having to show a piece of paper that can prove that they are Indian. In a country where ministers cannot produce degrees to show that they graduated from college, you expect dispossessed poor people to show papers to show that they belong to this country. Slogans and symbols are being used to test allegiance. There is no one symbol, there is no one slogan that can show any Indian that they are a patriot. There is no one test, sir. There is no one test. The second sign, sir. There is a resounding disdain. There is a resounding disdain for human rights that is permeating every level of government. There has been a tenfold increase in the number of hate crimes between 2014 and 2019. 10x! It is like a valuation of an e-commerce tower daylight is being condoned. From Pehlu Khan in Rajasthan last year to Mr. Ansari in Jharkhand yesterday, the list is not stopping. The third sign, there is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. Today, either indirectly controlled or indirectly debted to one man in this country. Five of the largest news media organizations in India are today either indirectly controlled or indirectly debted to one man in this country. TV channels spread a majority of airtime broadcasting propaganda for the ruling party. Coverage of every opposition party is cut out. Let the government come out with facts and figures to show ad spend per media house. What are they spending the money on and which media house are they blocking out? The Information and Broadcasting Ministry employs over 120 people solely to check the content on TV channels every day to make sure that there is no anti-government news being put out. ये आपने अगर सुन लिया हो तो थोड़ा सा प्राउड फील कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है? एक ऐसी नेता के नाम पर जो देश की नेता है, किसी पार्टी की नहीं, ना कांग्रेस की है, पहले वो देश की नेता है, जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही वो हैं, तो फिर क्यों ना उनका ये वीडियो शेयर करना तो बनता है ना दोस्तों, बनता है ना। और वाकई में बहुत स्मार्ट है महुआ मोइत्रा, और बड़ी पोस्ट से इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। उनके बोलने का अंदाज, लगातार दो दिन जो उन्होंने भाषण दिए, वो चर्चा का विषय बन चुके हैं। वाकई में उन्होंने अपने आप को बॉन्ड लीडर साबित कर दिया है। हालांकि पार्टी ज्वाइन, राजनीति ज्वाइन करने से पहले भी वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी अधिकारी थी। तो ऐसी बेटियों को, ऐसी हिंदुस्तान की बेटियों को मेरा लाख लाख सलाम। आप सलाम करना चाहेंगे तो शेयर कीजिए,
तो 10 सलाम, और दो बार शेयर करेंगे तो 20 सलाम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।